हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये छोटे छोटे से टिनी केक की रेसिपी लेके आई हूँ मैं। ये केक मैंने कैसे बनाए हैं आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा। इसमें डालिए 1 टेबल स्पून चोको पाउडर और चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस आपके पास ना हो तो आप मत डालिए। अब इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब ये मैंने ये रूम टेम्परेचर का दूध लिया है आधा कप, और इसे फेंटते जाइए। लम्स फ्री बैटर बनाना है हमें, अच्छी तरह से फेंटिए ताकि लम्स ना रहें। अब ये बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब मैं इसमें और दूध ऐड करूँगी। इसे बनाने के लिए हमें आधे कप से थोड़ा कम दूध लगा है। इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए। ये इतने अच्छे बनते हैं, इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। ये घर में जो भी सामान होता है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये एक एप्पे पैन लेके इसको आपने ग्रीस करना है। ये मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ, देसी घी से। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसमें हमें बैटर पोर करना है। जब हम बैटर पोर करेंगे तब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा, और ये पोर करने के बाद आप गैस चलाइएगा। इसमें से सारे सेक्शन फिल कर लीजिए। अब ये सारा फिल करने के बाद अब हम इसे ढककर 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1-2 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए। अब इसे पलट दीजिए एक फोक की मदद से, इस तरह से, और गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। ये सेंटर वाले थोड़े से डार्क कलर के हो गए हैं क्योंकि सेंटर में थोड़ी हीट ज़्यादा लगती है। आप चाहें तो सेंटर में मत डालिएगा, साइड्स में डाल के इसे पकाइएगा। अब हल्का ऑयल घी वापस लगाइएगा ताकि ये बैक साइड से भी पक जाए अच्छे से। बहुत थोड़ा घी लगाइए, ये नॉन स्टिक है, आप नहीं भी लगाएंगे तो ये चल जाए, बन जाएंगे। अब इसे फिर से ढक दीजिए और 1-2 मिनट और लगेंगे, बस ये तैयार है। अब इसे वापस से टर्न कर दीजिए। अब ये यम्मी टैम्पटिंग आपके शॉर्ट्स केक तैयार हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए और इन्हें हमें ठंडा करना है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और टैम्पटिंग बनाऊंगी। इसके लिए मैं ये शॉर्ट केक खाने में इतने स्वाद लगते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये गेहूं के आटे से बने हैं। और आप ये पैन में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब इसमें शुगर पाउडर डस्ट करके आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं अंदर से, एकदम सॉफ्ट। इन्हें हम और यमी बनाएंगे ताकि बच्चों को ये खाने में अच्छे लगे। इसके लिए मैंने चॉकलेट कंपाउंड वाइट और डार्क कंपाउंड लिया है, बस थोड़ा सा ही हमें चाहिए। और इसे हम डबल बॉयलर की सहायता से मेल्ट कर लेंगे। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 30 सेकेंड के लिए करिएगा, क्योंकि हमें एक लेयर देनी है बस, ऊपर कोटिंग करनी है इसकी। अब ये सारे एक साइड से डिप करके आप इसे निकालते जाएं, चॉकलेट की एक लेयर लगा दें इस तरीके से। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से आप सारे चॉकलेट्स पर लेयर लगा दीजिए। ये आप बच्चों के बर्थडे के लिए भी तैयार करके रख सकते हैं। बच्चों को एक न्यू लुक और न्यू टेस्ट मिलेगा खाने के लिए। ये मैंने स्प्रिंकलर लिए हैं, इसे आप स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि ये और भी देखने में आप अच्छे लगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि ये बिल्कुल भी पता नहीं चलते कि गेहूं के आटे के बने हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा।
और आपको बहुत पसंद आएंगे ये। देखिए कितने अच्छे यमी लग रहे हैं। एंड नाउ रेडी टू सर्व दीज यमी शॉर्ट केक्स टू योर किड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।